गुड मॉर्निंग सभी का फिर से वेलकम है। आज थोड़ा सा हम लोग एक नया चैप्टर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। कैंडिडेट लगातार इसमें परेशान हुआ है और होते हुए देखे हुए हैं और हमसे क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई ये जो सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट का जो सेंटेंस है हम उसको कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ कहानी आपको हम सुना रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे बनेगा, ठीक है। और मोर एंड मोर प्रैक्टिस होगा तभी बन पाएगा, अन्यथा ये नहीं कि भाई दो तीन कहानी हम आपको बता दिए, एक दो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दिए, तीन चार पाँच छः दस जो भी है उसके बाद आपसे बन जाएगा क्या, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस वाला सीजन है, ग्रामर वाला सीजन तो हमको बता दिए कि कैसे क्या करना है, कौन सा दिमाग में रखना है। लैंग्वेज इसलिए थोड़ा सा बड़ा या बोझ माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा रूल्स है। अब इसमें कोई रूल्स है नहीं, बस दिमाग लगाना है। जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं ना, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही रूल को थोड़ा सा अप्लाई करना है और कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या, हम लोग जो सिंटेक्स में पढ़े थे, नाउन पढ़े थे उसका भी यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। प्रोनाउन एडवर्ब में भी बताए थे पी क्यू आर एस वाला, कैसे एमपीटी का फॉर्मूला, पहले तीन एडवर्ब एक साथ आता है तो एमपीटी यानी कि एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम बाद में आता है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही खेला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम दिलो दिमाग यहीं पे रखना, तभी समझ में आएगा ये पॉइंट, ठीक है, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस है, सेंटेंस तो है और एक सेंटेंस नहीं है, दो तीन चार पाँच छः इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा और वो सही क्रम में बिल्कुल नहीं है। तो भाई सही क्रम के लिए हमको क्या चाहिए, सही क्रम के लिए हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक भाव चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। अब बात को समझना, ये तो एक सेंटेंस के लिए हो गया, सब्जेक्ट भाव ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो सेंटेंस को अरेंज करना है। अब एक लंबा थोड़ा सा पैसेज टाइप से रहेगा और तीन चार पाँच सेंटेंस होगा और तीन चार पाँच सेंटेंस डिसअरेंज में रहेगा, यानी उसका जो सीक्वेंस है वो सही क्रम उसका नहीं है, उसको क्रम में हमको सजाना होता है। तो हमको करना क्या होता है, कुछ कुछ कहानी पहले सीखते हैं, समझते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। चलो पहले पैटर्न देखते हैं कि एक नंबर और छह नंबर, बात को समझना, यानी एक दो तीन चार पांच छह सेंटेंस आपको दिया जाता है, खास करके एसएससी के पैटर्न में। ये तो हम लंबा वाला प्रोसेस बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि एक दो तीन चार ही होता है, ये वन और सिक्स बिल्कुल नहीं मिलेगा और यही आपका डिसअरेंज में रहता है, उसी को हमको अरेंज कर लेना है। लेकिन हम यहाँ पे छह पैटर्न वाला बता रहे हैं, ठीक है, कि एक नंबर वाला स्टेटमेंट अपने आप में दिया हुआ है वो अपने आप सही है और लास्ट वाला भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। अब हमको करना क्या होता है कि P Q R S जो दिया हुआ रहता है ये इसका अरेंजमेंट हमको करना होता है, ये इसका अरेंजमेंट जो होता है सही नहीं रहता है। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, तो सबसे पहले एक नंबर में देखेंगे किस बात में छेड़ा है, किस बात का चर्चा हुआ है, उसके ठीक बाद कौन सा वर्ड आता है, ठीक है ना। तो बात को समझना कि क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई ट्रिक है नहीं, बात को समझना, ठीक है ना। अगर हम ट्रिक बता दें तो आप उसको रट्टा मार लेंगे, पता चलेगा भाई वो ट्रिक हर जगह काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो, सपोज कर रहा है इसको पेयर बनाने के लिए सीखना, पेयर कहने का मतलब ये है कि पी के बाद क्यू आ रहा है कि पी के बाद आर आ रहा है, पी के बाद एस आ रहा है, अगर आप पेयर बनाना सीख लिए, ठीक है ना, तो आसानी से उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन में आएंगे। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाए हुए हैं और भी क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। तो पेयर बनाना सीखो कि किसके बाद कौन आ सकता है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो जैसे कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग डिग्री पढ़े हुए, डिग्री में हमको पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़े हैं। सपोज करना, मान लेना कि क्यू पार्ट में कॉम्पिटेटिव डिग्री यूज हुआ है टॉलर, हम टॉलर का एग्जांपल लिए, वाइजर हो सकता है ना, मोर हैंडसम भी हो सकता है, ठीक है ना, बात को समझना। तो अब हमें ये बताओ टॉलर के बाद हमको देन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और देन कहाँ पे यूज हुआ है, एस वाला पार्ट में यूज हुआ है, बात को समझना कि भाई बिना रटे हुए, ठीक है ना, बिना दिमाग लगाए हुए, ठीक है, आप क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हमको देखना है चारों ऑप्शन को देख लेना है, बनाने का जो क्रम है सबसे पहले तो हमको ऑप्शन पढ़ना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे चार एक और ये छह बनाए हुए हैं और यहाँ पे पी क्यू आर एस, ठीक है ना, ये सही अरेंजमेंट है या नहीं है इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कुछ हम यहाँ पे पॉइंट कुछ हिंट को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है पता है, कि सबसे पहले आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। कभी कभी क्या है कि भाई ऑप्शन में आपको मिलेगा आर वाला,
और एस वाला मिलेगा। तो भाई फिर हमको पी को बिल्कुल नहीं देखना है कि भाई वन नंबर के बाद हमको पी नहीं आना है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन पहले हमको देखना है। चलो ध्यान देना फिर से, कैसे हम पेयर बनाएंगे, मैंडेटरी पेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई इसके बाद यही आता है। तो अगर क्यू वाला पार्ट में कोई कॉम्पिटेटिव डिग्री यूज हुआ है तो यानी क्यू के ठीक बाद हमको क्या चाहिए था, यानी टॉलर के बाद हमको देन चाहिए था। अब हमको देखना है कि देन किस पार्ट में यूज हुआ है, तो पता चलेगा एस वाला पार्ट में देन यूज हुआ है। तो तुरंत हम मिला लेंगे कि भाई क्यू और एस हमारा पेयर बन रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ऑप्शन में देखना है कि किस पार्ट में क्यू और एस वाला पेयर है। कभी कभी पता चलेगा भाई एक ही ऑप्शन में है, एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, ठीक है, एक ही ऑप्शन में क्यू और एस वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्यू और एस वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। तो आंख बंद करके एकदम टिक कर के आ जाना है, ठीक है ना, कि भाई पेयर तुम्हारा मिल रहा है, ठीक है, बात को समझना। चलो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये तो हम पहला बताए। कभी कभी क्या हो सकता है ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको मिलेगा, सपोज करना, ठीक है, एस वाले पार्ट में, एस वाले पार्ट में पीपल का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, बात को समझना। तो पीपल अपने आप सिंगुलर है या प्लूरल है भाई, ये तो प्लूरल है। अब पीपल के बाद हमको भाव चाहिए, ठीक है ना। अब भाव चाहिए तो कैसे चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल चाहिए। क्यू में इज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है पीपल के लिए नहीं आया होगा, ठीक है ना। और पी में आर लगा हुआ है, बात को समझना। तो पेयर किसका बनेगा भाई, यानी एस का पेयर बनेगा पी, बात को समझना, ठीक है ना। इसलिए एस का पेयर पी इस तरह से बन जाता है। पेयर बनाने सीख गए तो अरेंजमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। चलो दूसरा कहानी बताते हैं। दूसरा कहानी क्या है कि यदि यदि एस वाला पार्ट में इधर का प्रयोग हुआ है, लो कहानी, ठीक है ना। अब इधर का पेयर क्या है, हम लोग कंजंक्शन में पढ़ चुके हैं, और होता है, नीदर का नोर होता है, नोट ओनली है तो बट ऑल्सो हमको ढूंढना है, ठीक है ना। बात तो यही हमको पता चला है कि आर वाला पार्ट में इधर है और हमारा क्यू वाला पार्ट में नोर लिख और लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पेयर क्या बन जाएगा, पेयर हमारा आर और क्यू बन जाएगा, बात को समझना। दूसरा कहानी क्या है कि सेंटेंस का ओपनिंग जो करता है मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 99% कोई नाउन करता है। देखो हम यहाँ पे इसलिए किस कहानी को हम सीटिंग क्या बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट हम तभी कर पाएंगे जब सारा पार्ट ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आप पढ़े हुए आता है, वर्ड पावर भी कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो इधर का ओर, नीदर का नोर, और बात को समझना। दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं कि यदि ओपनिंग सेंटेंस होगा तो ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है, पहले नाउन होता है या पहले प्रोनाउन होता है, बताओ, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। एक ही, जैसे कि सपोज करो यहां पे नाउन यूज हुआ है और यहां पे प्रोनाउन यूज हुआ है, सपोज करो यहां पे राहुल यूज हुआ है और उसके बाद यहां पे ही यूज हुआ है, तो आप पहले किसको लोगे, ही वाला को या राहुल वाला को। जाहिर सी बात है राहुल को हम लोगे लेंगे क्योंकि राहुल के लिए ही का प्रयोग हुआ होगा, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो इसलिए नाउन पहले आता है और उसके बदले में तो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, हम तो ये पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है ना। तो इसलिए ये पार्ट का प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के बाद में, देखो लिखा हुआ है नाउन फर्स्ट आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा। दूसरा कहानी क्या है, ठीक है, कभी कभी क्या है ना कि एक व्यक्ति का दो नाम आता है, ठीक है ना, बात को समझना। जैसे अमिताभ बच्चन, कोई एक जंबल सेंटेंस में दे दिया अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हुआ है, और दूसरा एस में या आर में या क्यू या पी में किसी में दूसरा सेंटेंस में, मतलब कि ऑप्शन में लिखा हुआ है बिग बी, ठीक है ना। अब हमें ये बताओ कि बिग बी जो है वो क्या है, उसको हम लोग पहले रख सकते हैं क्या। बिग बी क्या है भाई, बिग बी अमिताभ बच्चन का नाम है, तो हम डायरेक्टली बिग बी नहीं बोल सकते हैं, सबसे पहले हमको अमिताभ बच्चन बोलना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन बिग बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नेम आएगा, देखना अगर किसी का दो नाम अगर यूज हुआ है, ठीक है ना, कोई भी पेयर के लिए, तो सबसे पहले हमको दिमाग लगाना है कि भाई फर्स्ट नेम जो होता है वो पहले होगा बाद वाला बाद होगा। जैसे अशोका और सम्राट, ठीक है ना, यूज हुआ है तो जाहिर सी बात है हम सम्राट को बाद में रखेंगे, अशोका को पहले रखेंगे, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट का एक तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है ना कहानी।
तो ये छोटे छोटे बात को आपको याद रखना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा का सारा यूज होने वाला है, ठीक है ना। बाकी बात आपका वर्ड पावर जितना है, जितना सेंटेंस को स्ट्रक्चर में आप ढाल पाएं, वो आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाएगा जब हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट को देखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल हम बनाए हैं यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल नहीं, हम और भी एग्जाम्पल लेंगे, पहले इसको हम लोग डील कर लेंगे। और कोशिश करना वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करना, ठीक है ना। पहले तो हम पहला सेंटेंस को देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन को कि क्या है, कि कितना आसानी से हम लोग बना पाते हैं या फिर कितना उलझ सकते हैं, दोनों कहानी बताएंगे। कि एक यहाँ पे लंबा चौड़ा सेंटेंस है, एक पैराग्राफ ही है, और उसका ऑप्शन दिया हुआ है। चलो सबसे पहले हमको क्या देखना है, अ हाई परसेंटेज ऑफ, अ हाई परसेंटेज ऑफ व्हाट, कुछ भी होगा भाई, ठीक है ना। ऑफ के बाद हमको क्या चाहिए, ठीक है, ऑफ के बाद हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है, ठीक है कहानी। चलो इसको छोड़ देते हैं अभी, आ जाओ लास्ट में यूज कर हुआ है ऑन एनी अदर डे ऑफ द वीक, ठीक है ना। अब देखो एक नंबर और ये सिक्स नंबर, ये अपनी जगह पे सही है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, पी क्यू आर एस, ठीक है, इसका अरेंजमेंट सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में आएंगे, ठीक है, और ऑप्शन में आने के बाद हम सारा का सारा यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। पहला ऑप्शन में है एस से शुरू हुआ है, दूसरा में पी से शुरू हुआ है, ठीक है ना, क्यू से शुरू हुआ है और आर से शुरू हुआ है। अब इससे क्या पता चला है कि अ हाई परसेंटेज ऑफ, इसके बाद एक भी अगर हमको पता चल जाएगा, क्योंकि सभी डिफरेंट है, बस पता चल जाए कि S वाला से शुरू होगा या P वाला से शुरू होगा या Q वाला से शुरू होगा या R वाला से शुरू होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो आते हैं, अब देखो a high percentage of in the cold weather, सही जा रहा है क्या, चलो इसको सिर्फ पढ़ते हैं, in the cold weather and more people experienced heart attack failure on Monday, heart attacks occur, ठीक है ना, सही है या कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो अ हाई परसेंटेज ऑफ क्या हो सकता है, अ हाई परसेंटेज ऑफ, ध्यान देना यहां ऑफ है, फिर से इन नहीं आएगा, यानी कि पी वाला खत्म कर दिए हम, ठीक है ना। अ हाई परसेंटेज ऑफ, हमको क्या चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, यहां पे क्या है, कंजंक्शन क्यू वाला नहीं होगा। अब देखना अ हाई परसेंटेज ऑफ हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, ठीक है, दोनों में से में कोई एक ही हो सकता है, यानी कि या तो हमारा आर वाला सही होगा या तो एस वाला सही होगा, ठीक है ना, एस वाला या आर वाला, दो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम अरेंज करेंगे कि भाई कौन सही हो सकता है, ठीक है। अ हाई परसेंटेज ऑफ अगर हम आर वाला कर लेते हैं, हार्ट फेलियर ऑन मंडे, आर में देखो क्या लगा हुआ है, आर में हाँ, उसके बाद आर के बाद पी का प्रयोग करेंगे, इन द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर उसके बाद एस में आता है, हार्ट अटैक अकर एंड मोर देन पीपल एक्सपीरियंस ऑन एनी अदर, ध्यान देना, ठीक है। चलो तो अब हम किसको क्या करेंगे, कि अ हाई परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक अकर यानी एस वाला, उसके बाद पी, कब, इन कोल्ड वेदर, क्यू, ठीक है, क्यू किस में है, एंड मोर पीपल एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस उसके बाद आर में आते हैं, एक्सपीरियंस हार्ट फेलियर ऑन मंडे, बात को समझना, यहां पे एक चीज छूट गया है, देन, तब ये सेंटेंस पूरा सही हो जाता है और आसानी से हम लोग बना पाते हैं। अब देखो यहां पे मोर है, बात को समझना, और यहां पे देन है, ठीक है, यानी क्यू के बाद आर आएगा। देखो अभी हम पेयर बनाने के लिए सीखे थे, ठीक है, एक यहां पे लिखने में ये मिस्टेक हुआ था, इसको यहां पे मिला लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन इजी हो गया, अब ये क्वेश्चन हमारा 30 सेकंड का हो गया, 30 सेकंड का कैसे हुआ, कि मोर क्या है, मोर अपने आप में कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और मोर के बाद हमको क्या चाहिए, देन चाहिए, मोर किस पार्ट में है, क्यू वाला पार्ट में, देन किस पार्ट में है, आर वाला पार्ट में, देखो
क्यू और आर किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, लेकिन पी से हम सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते थे। ध्यान देना, पी से देखो यहां पे भी क्यू आर है और यहां पे भी क्यू आर है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, यहां जब ऑफ आया है तो ऑफ के बाद हमको तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑफ के बाद अगर हम पी लेते हैं, देखो क्यू आर यहां पे भी है और क्यू आर यहां पे भी है, बात को समझना, कैसे हम हटाएंगे, इलिमिनेट कैसे करेंगे, ये हमको सीखना है, ठीक है। तो ये क्यू आर और ये क्यू आर का हम पहला देखेंगे, पहला में देखेंगे यहां पे पी आया है और यहां पे एस आया है, तो पी में हमारा इन लगा हुआ है, प्री पोजिशन के ठीक बाद, प्री पोजिशन नहीं आना था इसलिए इसको हटा दिया, आपका आंसर क्या हो गया, ए। क्यों? एस में तुरंत हमको क्या, हार्ट अटैक अकर, ये आपके आप अपने आप में एक नाउन है, आंसर क्या हुआ, ए हुआ। एक बार इसको देख लो, ठीक है, मिला लो, समझ लो ये पेयर कैसे बना था, मोर के साथ देन वाला पेयर बना था और आंसर मिल गया था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, इसको एक बार देख लो, दूसरा क्वेश्चन हम आपको देंगे। आ जाइए फिर से एक क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, दिमाग लगाना है, एक बार खुद से इसको ट्राई करना है, है ना, उसके बाद कहानी कैसे मिलता है वो देखना है, ठीक है। चलो फिर से पहला और सिक्स वाला आपका दिया हुआ रहेगा, क्लाइमेट चेंज ड्यू, और यहाँ पे एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन का मतलब है कृषि संबंधी, सोसाइटी मतलब समाज वहाँ के, ठीक है, परिवेश। अब देखना, बात को समझना, है ना, एक बात आप जानते हैं, अगर प्री पोजिशन आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारा पॉइंट आपको हिंट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो, क्लाइमेट चेंज ड्यू, ड्यू के बाद क्या चाहिए, ड्यू टू, ठीक है ना। अब देखना है किस किस पार्ट में ड्यू के बाद टू है, अब इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा। टू आपका पी में है और एस में है, ठीक है ना, पी हो सकता है आंसर या एस हो सकता है, बाकी बात आर वाला खत्म हो गया, ठीक है, और क्या, पी हो सकता है, एस वाला हो सकता है, एस वाला हो सकता है, यानी एक ऑप्शन खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अब इसमें भी एस दिया हुआ है और इसमें भी एस दिया हुआ है और पी इसमें भी दिया हुआ है, देखो कैसे कैसे हम इलिमिनेट करते हैं वो ध्यान देना, ठीक है ना। चलो, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू राइस प्रोडक्शन, राइट प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ है, राइस का उत्पादन हुआ इसलिए, नहीं, सिंपल सी बात है, पी वाला नहीं होगा, पी किधर है उसको भी हटा दो, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ऑप्शन क्या बना है, ऑप्शन एस वाला ही है, यानी दो ऑप्शन ऐसे ही हम खत्म कर लिए, ठीक है ना, दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हमको सिचुएशन को फॉलो करना होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। भाई क्लाइमेट चेंज जो हुआ है वो राइस प्रोटेक्शन से थोड़ी ना हुआ है, ठीक है ना, किस लिए हुआ होगा भाई, टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, यानी क्लाइमेट चेंज हुआ है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी एस वाला ही जाएगा, और एस हमारा एक पार्ट में नहीं दो पार्ट में है, अगर सिर्फ एक ही पार्ट में होता तो हमारा आंसर मिल गया होता, ठीक है ना, लेकिन एक पार्ट में नहीं दो पार्ट में है। अब हमको सीक्वेंस को देखना है कि क्या हो सकता है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इसी को लेते हैं, उसके बाद क्या है, क्यू causing changes in rainfall, और इसका कारण क्या बना, रेनफॉल बना, कभी बारिश बहुत ज्यादा, जरूरत नहीं है तो, और जरूरत है तो नहीं होता है, ठीक है ना। आर इज द न्यू चैलेंज, ठीक है ना, और एक नया चुनौती उभर करके आया है, उसके बाद पी टू राइस प्रोटेक्शन, आपका आंसर यही है। अब आपके मन में चल रहा है कि ये क्यों नहीं होगा, इसको भी पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहां तक तो ये बात सही बोल रहा था कि क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद एस तो ठीक है, उसके बाद पी को देखते हैं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद पी में देखो टू राइस प्रोडक्शन, मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्या राइस प्रोडक्शन, क्यों उसके बाद आ रहा है ना, काउजिंग चैलेंजेस, यानी कि एस के बाद ये जो पी का जो मैंडेटरी पेयर है ये पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, और एस का पेयर कौन बना रहा है, एस का पेयर क्यू बना रहा है, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग काउजिंग, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, चेंजेज इन रेनफॉल, और रेनफॉल किस में, इज द न्यू चैलेंज, ठीक है, न्यू चैलेंज किस में, टू राइस प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो राइस प्रोडक्शन में एक नया चुनौती उभर करके आया है ना, तो क्लाइमेट चेंज। चलो आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, वेदर और क्लाइमेट
ये दोनों में अंतर क्या है ये बताना, ढूंढना, ठीक है ना। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे सही बना होगा, ठीक है। फिर से एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, इसको एक बार मिला लो। चलो एक बार इसको आप पॉज कर लो और खुद से बनाने की कोशिश करना और देखना कि आपका आंसर सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान देना, जो भी हम ट्रिक बताए हैं वो 90% फॉलो होता है, बाकी बात कुछ पॉइंट क्या है कि जो भी हम बताए हैं वो पॉइंट आपको फॉलो नहीं होगा, लेकिन 90% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उस समय आपको दिमाग लगाना होता है, वहाँ पे वर्ड पावर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। चलो फिर से है, डैड वेंट फिशिंग, ठीक है। और 6 नंबर में एंड मेक हर फील एट होम। चलो एक idiom है ये, मेक एनी वन फील एट होम, यानी घर जैसा महसूस करवाना, यानी कि फैमिलियर, इसका मतलब क्या होता है, फैमिलियर करवाना या होना। चलो तो अब हम पहले क्या देखेंगे, सभी को पढ़ लेते हैं एक बार। डैड वेंट फिशिंग सो दैट सी कुड वेलकम हर, सो दैट तुरंत नहीं, सो दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं भाई, जब कोई कारण इफेक्ट बताना होता है तब हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। तो डैड वेंट फिशिंग, उसके बाद सो दैट, यानी पी वाला तो हो ही नहीं सकता है, पी कहीं है क्या, एक ऑप्शन ऐसा ही चला जाता है, ठीक है। बट मॉम स्टेड एट होम, हो सकता है बिकॉज, देखना, डैड वेंट फिशिंग बिकॉज सी वॉन्टेड टू बी देयर। अब देखो ये इसके बाद एक के बाद तुरंत आर वाला आ रहा है क्या, बिकॉज कहाँ आता है, क्योंकि कारण बताना, इससे पहले कोई कारण होगा तभी तो हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है कि नहीं है यहाँ पे यूज, ठीक है। तो बिकॉज किस में है, ये आर, आर भी चला जाएगा, आर किस पार्ट में, देखो ए पार्ट भी खत्म हो गया है, यानी ए और डी खत्म हो गया है हमारे पास, या तो ऑप्शन बी है या तो सी है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग डैड वेंट फिशिंग, उसके बाद तुरंत एस को अगर हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो सर्व हर ड्रिंक एंड सम बिस्किट्स, यानी कि एस वाला भी नहीं जा रहा है, एस किस पार्ट में, ये आंसर तो मिल गया है हमारा। अब हमारा लॉजिक क्या कहता है वो देखना है, ठीक है। लॉजिक ये कहता है कि यहाँ पे सी का प्रयोग हुआ है, तो सी का प्रयोग हुआ है तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन है तो सी किसके लिए आ रहा है भाई, ये भी तो हमको पता करना होगा। तो सी किसके लिए आता होगा, मॉम के लिए आता होगा, यहाँ मॉम लिखा हुआ है, इसको मॉम लिखिए, ठीक है ना, डैड और मॉम का बात हो रहा है, ठीक है। तो बात को समझना, यानी क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्यों के बाद हमारा आर होना चाहिए, क्यों के बाद आर होना चाहिए, देखो क्यों के बाद आर है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या मिला, यही तो मिला, ठीक है। अब क्यों के बाद आर और कहीं है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये पेयर के साथ भी हम लोग चलेंगे और लॉजिक को भी देखे चलेंगे। अब देखो ये इसमें क्या बोल रहा था, पूरा सेंटेंस को हम मिलाते हैं, पढ़ते हैं। डैड वेंट फिशिंग, डैड क्या, मछली पकड़ने चले गए, बट मॉम स्टेड एट होम। जाहिर सी बात है पुरुष हमारे समाज में, जिस भारत देश में हम रहते हैं, अभी तो चेंज हुआ है कि पुरुष बाहर जाते हैं कमाने के लिए और महिलाएं जो होती हैं घर को सजाने संवारने में लगती हैं, ठीक है। तो डैड चले गए मछली पकड़ने, बट मॉम स्टेड एट होम, ठीक है ना, घर में रुकी। उसके बाद क्यों के बाद आर वाला, बिकॉज, क्यों, क्यों घर में रुकी भाई, इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज सी, सी किसके लिए आ रहा है, मॉम के लिए आ रहा है। सी वॉन्टेड, चाहती थी, टू बी देयर मतलब घर में रहना, वेन टेरी अराइव, टेरी कोई व्यक्ति का नाम है, जब टेरी घर में अराइव यानी आएगा तो वो घर में ही रहेगी, तभी तो उसका स्वागत कर सकेगी, है ना। तो ये हो गया आर वाला, आर के बाद पी, सो दैट, ताकि, ध्यान देना, ठीक है ना, ताकि सी कुड वेलकम हर, फिर से किसको, हर किसके लिए आ रहा है, ये टेरी के लिए आ रहा है, ये भी नाउन है, इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा, ठीक है ना, कि सो दैट, ताकि वो हो कौन, मॉम वेलकम, स्वागत कर सके, ये सके, ये सके, किसको, टेरी को, ठीक है ना। उसके बाद एस जोड़ते हैं, ठीक है ना, वेलकम हर, सर्व हर, ठीक है ना, और सेवा कर सके, किसे, टेरी को, अ ड्रिंक पीने के लिए एंड सम बिस्किट्स का, ठीक है ना, व्यवस्था कर सके। एंड और मेक हर, हर किसके लिए आ रहा है, टेरी के लिए, मेक हर फील एट होम, उसको एकदम फैमिलियर महसूस हो, कुछ अजनबी तू अटपटा बिल्कुल ना लगे, ठीक है ना बात। चलो ये सारा कहानी हम लोग डिटेल भी पढ़े और जो ट्रिक हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो भी हमको समझ में आया। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम देंगे, इसको एक बार मिला लेना, नोट करते चले जाना।
चलो एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए, ठीक है। दिमाग लगाओ, उसको खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये जो सारा का सारा जो सेंटेंस है वो हमारे लाइफ से ही रिलेटेड है। इसको एक बार महसूस करो, उसके बाद देखो कि आपसे सही बनता है या नहीं बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। चलो समझना है, पहला और सिक्स। अ मैन इज बोर्न अलोन, यानी कि मनुष्य अकेले पैदा होता है, अकेले इस दुनिया से चला जाता है, ठीक है ना। हम लोग हमेशा नहीं बोलते हैं वो मेरा दोस्त है, वो मेरा वाइफ है, साथी मित्र यार है, ठीक है ना। फैक्ट क्या है, हर्ष रियलिटी क्या है, वही जो हम बात कर रहे हैं बार बार, हर्ष रियलिटी क्या है लाइफ का, कि भाई मनुष्य जो है सो अकेले इस धरती में आता है, अकेले इस दुनिया से चला भी जाता है, और जो भी उसका एक्शन होता है, एक्शन कहने मतलब उसका जो कृति होता है, कार्य होता है, उसके लिए उसे परिणाम मिलता है, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, ठीक है ना। वो खुद से ही फेस करता है, चाहे उसको शोहरत हासिल मिले, धन दौलत मिले, ठीक है, गाली मिले, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस यही सारा पैसेज यहाँ पे कहना चाहता है। देखो, अ मैन इज बोर्न अलोन, RRQP, ध्यान देना। अगर हम P को देखते हैं, अ मैन इज बोर्न अलोन, गुड एंड बैड, P बिल्कुल नहीं जी, ठीक है। चलो, अ मैन इज बोर्न अलोन, ही एक्सपीरियंसेस द, हाँ मैन है तो उसके लिए ही हो सकता है, बात को समझना, ये मे भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड डाइज अलोन, ध्यान देना। अब देखो यहां पे क्या है, अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन, अलोन अलोन का यहाँ पे पेयर बन रहा है, यानी कि पहले के ठीक बाद हमको आर चाहिए। आर किस पार्ट में है, ए और बी में है, दो ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब या तो बी आंसर है या तो ए आंसर है, देख लो, समझ लो क्या बोलता है। अ मैन इज बोर्न अलोन, उसके बाद तुरंत अगर हम क्यू का बात करते हैं तो ही एक्सपीरियंसेस द, एक्सपीरियंसेस द, एस में आते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ पी, गुड एंड बैड, हिज एक्शन अलोन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हटा करके इसको देख लेते हैं, अ मैन इज बोर्न अलोन, क्यू को लेते हैं, ये देखो कितना सटीक जा रहा है, एंड डाइज अलोन, एंड एंड पी, गुड एंड बैड कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम, बात को समझना, परिणाम यानी रिजल्ट, जो भी आपने किया है उसका कंसिक्वेंस यानी कि रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो पी यहाँ पे अब आ रहा है, पी के बाद किस में था, हाँ, अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड एंड पी, गुड एंड बैड कंसिक्वेंसेस, ठीक है ना। सही यानी अच्छा और बुरा यानी खट्टा और मीठा अनुभव को वो अनुभव करता है, क्या, कंसिक्वेंसेस ऑफ हीज एक्शन अलोन, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कुछ बुरा काम किए हैं तो हमको बुराई ही मिलेगी, गाली ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे बदले कोई दूसरा गाली नहीं सुनेगा, हमें जो फील होगा वो दूसरा कोई फील नहीं करेगा, उसके लिए हम ही को फील करना होगा कि भाई हम बुरे थे या फिर हम ऐसे काम किए, इसके लिए हमें ये परिणाम मिला। तो एक तरह से ये सिखा के चला जाता है, लाइफ का एक फंडा, एक शॉर्ट ब्रीफ लेकर के चला गया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बना हमारा, आंसर हमारा पी पार्ट है, यानी कि तुरंत हमारा अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड एंड गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज लाइफ एक्शन अलोन, ठीक है ना बात। चलो, तो ये कहानी हुआ हमारा, कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट का हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे, ठीक है ना। इसका कुछ तरीका को अप्लाई करने के लिए हम बताएं और कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट को मिलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि भाई बिकॉज आ रहा है, सो दैट आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा तभी तो आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ करके ही हमको सेंटेंस अरेंज करना है, और ये ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं कि इसको हम और नहीं करवाएंगे, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो सके और आप मोटिवेट हो सके कि भाई हमको भी प्रैक्टिस करना है। ये बन सकता है, जिसको हम बहुत पहाड़, जिसको बहुत ही हम डिफिकल्ट सोच रहे थे, वो आसान हो सकता है। 2, 4, 5, 6 नंबर का जो भी आता है कोई भी एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये हम सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन तो आपको इजीली आप बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर हम लोग करते रहें तो
आसानी से हम बना पाएंगे। चलो इस कहानी को यानी कि PQRS वाला यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट का कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कल फिर से 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आपका प्रैक्टिस में होगा वो सारा लेकर के आएंगे और प्रिपेयर होइएगा। और जो भी पॉइंट है इससे पहले हम एक ओवरव्यू दिए थे उसको भी आप ख्याल रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।